हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथिल मैकेनिक नॉलेज पर। आपको जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है ट्रॉली, ये बदोपुर या बोलते हैं सैंड की ट्रॉली है और आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों, कभी कभी आप सोचते हो कि इसमें कितना मटेरियल आता है या आपका बदोपुर कितना आता है या आपकी बालू कितनी आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए आपकी ट्रॉली की फुट में नाप है, मान लीजिए 1 फुट है और लंबाई आपकी 6 फुट है या चौड़ाई आपकी 4 फुट है, तो आप उसमें सीधा सीधा गुणा कर सकते हो आपस में, तो आपका फुट निकल आएगा। लेकिन दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए आपकी फुट की बजाय, 1 फुट की बजाय आपकी 13 इंच हो हाइट, ये हो या 9 इंच हो या 14 या कुछ भी हो, तो आपको उसका कैसे निकालोगे। तो दोस्तों, आपको मैं उसी के बारे में बताऊँगा और बाकायदा आपको नाप कर दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो चालू करने उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन ऑल करके घंटी ज़रूर बजा देना, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आप सभी जानते हो, ये आपको ऐसे पकड़ना है इंची टेप और ये यहाँ तक, तो ये हमारी आपको दिखाई दे रही होगी ये 87 इंची, आपको इंची में नापना है ये, तो ये 87 इंची है हमारी और इसकी आप चौड़ाई नापते हैं। तो आप देख रहे हो इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है आपकी 56 इंची, यानी 87 इंची इसकी लंबाई है, 87 लंबाई है और 56 इसकी चौड़ाई है। अब दोस्तों, लंबाई चौड़ाई हमने इसकी नाप ली, अब हम इसकी हाइट नापते हैं। तो और इसकी हाइट है आपकी 16 इंच, आपको दिखाई दे रहा होगा 16 इंच इसकी हाइट है नीचे से। तो दोस्तों, ये मैंने आपको अब नाप के बता दिया, अब मैं इसका आपको रिजल्ट बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बात को घुमाए हुए चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये स्क्रीनशॉट ले ली, स्क्रीन वीडियो चालू कर दी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। कैलकुलेटर खोल के कट का निशान लगा दिया है, जो पिछला रिकॉर्ड है वो मैंने गायब कर दिया है। आपको क्या करना है, देखिए, आपकी जो मैंने ट्रॉली नापी थी तो उसकी जो लंबाई थी वो थी आपकी 87, ठीक है, 87 उसकी लंबाई थी कृत, फिर उसकी जो चौड़ाई थी वो थी 56। तो दोस्तों, आपस में मैंने गुणा कर लिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका जो टोटल आया है वो आप दिखाई दे रहा होगा 4872। अब दोस्तों, इसमें क्या रह गया है, इसमें रह गई है इसकी ट्रॉली की जो हाइट थी। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ट्रॉली की हाइट नापी थी, उसकी हाइट थी 16। तो दोस्तों, इसको कुर्त का निशान फिर लगाइए और 16। तो दोस्तों, मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित उसकी ऊंचाई, ये मैंने आपस में इनका गुणा कर लिया है, तो इसका जो टोटल आया है दोस्तों वो आया है आपका 77952। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये जो बराबर का निशान है इसको क्लिक करना है, ठीक है, और फिर आपको इसमें जो भागित का निशान दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 1728 का भाग देना है। दोस्तों, जो टोटल है ट्रॉली का अंदर का वो आपका निकल के आ चुका है, जी हाँ, 45.11111, ये आपका कुल टोटल है, यानी 45.11111 ये आपका स्क्वायर फिट उसमें माल है या मटेरियल कुछ भी कह लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा है, समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन यानी घंटी को दबा देना। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए या मकान से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हो, चाहे जैसे मान लीजिए एक कमरे में कितना ईंटा लगेगा, या मकान में गुनिया कैसे निकाला जाता है, या हम नापने का जो भी है मैनेजमेंट करते हैं इंची टेप या फीते से,
आदि के बारे में मैंने जानकारी दी हुई है, तो आप जाइए और मेरे वीडियो को देखिए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों यहाँ है हमारे लाखन सिंह भाई, जो ट्रैक्टर ट्रॉली है इनकी। आप इनसे कुछ भी सामान ढुलवाने के लिए, ढुलाई के लिए या किसी भी कार्य के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं, लाखन सिंह। और इनका गांव है कलाई बाज़ार में, मेन मार्केट जो है वहीं पर आपको मिल जाएंगे, या आपको किसी भी बदरपुर या टाइल्स की दुकान के आसपास ये दिख जाएंगे। इनका काम ही है वजन ढोने का, और ये इनकी खुद की ट्रैक्टर ट्रॉली है इनकी ये, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।